हैप्पी दिवाली टू ऑल गाइस। और आज हम अपने स्कूल गंगा देवी पब्लिक स्कूल बदरपुर में हैं और हम सभी बहुत दिनों बाद मिले हैं और सभी को हैप्पी दिवाली तो पहले तो। और गाइस गाइस देखो ये लेडीज लोग बहुत शोर कर रही हैं तो आपको आवाज़ तो आनी होगी, बट हाँ आज हम सभी अपने स्कूल में हैं और दिवाली सेलिब्रेशन के बारे में आपको बताएंगे, पूरा ब्लॉग दिखाएंगे कि हम स्कूल में कैसे मना रहे हैं और कैसे मस्ती कर रहे हैं। हमारे पास कुछ स्टाफ है हमारे स्कूल के और जैसा कि आप देख पा रहे हैं और आज दिवाली की पूजा स्टार्ट है हमारे स्कूल में। बहुत ही मेवे बर्फी आए हुए हैं, हंस रहे हैं, सेलिब्रिटी नहीं हमारे रंजन सर। और जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पप्पू सर के आगे जस्ट बैग रखा हुआ है, लेडीज बैग। समझ सकते हैं आप कि वो लेडीज बैग चुरा करके लाए हैं, आप गलत ना समझे, ठीक है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सभी अभी पूजा में व्यस्त हैं और हम लोग यहाँ पे मजे कर रहे हैं, तो आज दिन भी बनता है हमारा मजे करने का। और नायन सर आप फोन में लगे हुए हैं, तो छोटी दिवाली में आप क्या कर रहे हैं? छोटा बम फोड़ेगा लक्ष्मी बम फोड़िएगा मत, देखिएगा रिलीज हो चुकी है, ठीक है। और हमारे ये कराटे वाले सर हैं। और सर कोरोना काल कैसा रहा आपके लिए? जैसा पप्पू सर रहा वैसा ही रहा, बहुत अच्छा रहा। मतलब पप्पू सर आज टारगेट हो रहे हैं, पप्पू सर सर टारगेट नहीं है, ये सर का प्रेम है, बिगेस्ट सेलिब्रिटी है पप्पू सर, तो टारगेट है आज बात नहीं है। ओके तो जैसा कि आप सब नहा धो के आए मेरे अलावा, ऐसे मैं ऐसे लग नहीं रहा नहाया धोया नहीं हूँ, बिकॉज साल में दो ही दिन तो नहाते हो, एक होली के दिन। अरे यार यार लेकिन मैं फिर भी अभी लग तो साफ सुथरा ही रहा हूँ, लेकिन हाँ कपड़े गंदे से लग रहे। नहीं पप्पू सर ने नए कपड़े पहने हैं अपने पिताजी जी के कपड़े पहने हैं। हैप्पी बर्थडे, धन्यवाद दोस्तों, हैप्पी बर्थडे सर। सर आज 10 साल कुछ कहेंगे आपको और यहाँ दिवाली के पटाखे फोड़ने के बारे में, ठीक है। और हमारे स्कूल में पूजा हो रही है, ये हम देखते हैं पूजा किस तरीके से हो रही है। ये हमारे स्कूल के और भी स्टाफ हैं और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली की। अरे हमारे संस्कृत वाले सर मोहन बाबा सर, हाँ जी। और जो है क्या कहना चाहेंगे सर दिवाली के बारे में, बच्चे दिवाली कैसे मनाएं? बच्चे को तो दिवाली मनाने के लिए बिल्कुल छूट रहती है महाराज, ये तो पटाखे तो नहीं मिलेंगे बेचारे को, छोड़ नहीं सब। अच्छा और फुलझड़ी वगैरह है और लड़ी वगैरह लगाएंगे और तो ध्यान करके जो माता से अपने अपने जो है सभी जितने भी मनोकामनाएं हो पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद आपने बताया। और आज बाकी देखते हैं कि हमारे स्कूल में किस तरीके से पूजा हो रही है। और ये हमारे कुछ और भी स्टाफ्स हैं, ये हमारे रेखा मैम हैं और ये हमारे अकाउंटेंट मैम गायत्री मैम हैं, ये सब शर्मा रहे हैं, बट फिर भी कोई नहीं, स्टिल हम चलते हैं। हमारे स्कूल में पूजा हो रही है और स्कूल के सभी स्टाफ पूजा कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, सभी स्टाफ पूजा करने में व्यस्त है। मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ और माता को तो मैं भी प्रेम करता हूँ, बट अभी वीडियोग्राफी कर रहा हूँ। और ये हमारे हेड सर हैं और ये तो कामना कर रहे हैं इनका काम दिन चुगना रात चुगना दिन का हो बिल्कुल। गया बंत चार भुजादारी सिंदूर शोभे मोस की सवारी, मस्तक सिंदूर शोभे मोस की सवारी। गणेश जय गणेश देवा, धरती पार्वती पितामह देवा। जय गणेश श्याम से माता जय व्यस्त है पूजा में पार्वती पितामह देवा। और हम चलते हैं देखते हैं कि आगे कौन कौन है और उनको भी देखते हैं कि और कौन क्या क्या कर रहा है दिवाली पे, ठीक। तो अब हम आ गए हैं और ये हमने कुछ बोर्ड सजाया था कुछ इस तरीके से। हमारे पास कुछ और भी मैम, हमारे स्टाफ सभी स्टाफ आ रहे हैं, तो ये हमारी सीमा मैम है और ये सभी स्टाफ्स का नाम भूल गए हम,
पार्ट वन एंड पार्ट टू है और पीछे हमारी पूनम मैम है, पूनम पांडे मैम है। हाँ जी, हैप्पी दिवाली टू ऑल। और बहुत सभी बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत दिनों बाद मिले हैं, वापस लग रहे हैं। सब नहा, 7 महीने बाद सब नहा धो के आए हैं, बट ठीक है, सबको छोड़ दे, मैं नहीं नहा, बट मैं नहाए वो लग रहा हूँ। संक्रांति के दिन नहाना, और सभी को जो है हार्दिक शुभकामनाएं। दिन कहाँ घूम रहे थे? और पुरुषोत्तम मैम ये कुछ अभी ठीक है। और जो है पुष्पा मैम, आपने संस्कृत में क्या क्या पढ़ लिया? मधु मैम भी आ गई, और ये कुछ हमारी स्कूल की छात्राएं हैं। और ये छात्राएं हैं जो छात्र कहाँ हैं? छात्र आ रहे होंगे पीछे, छात्र भी आ रहे हैं ठीक है। और काफी सुंदर सुंदर से दृश्य नजर आ रहे हैं, सब एक जगह मिले हैं बहुत दिनों बाद। अलग ही फीलिंग हो रही है। और जैसा कि देख रहे हैं ग्रीन प्लांट्स हैं, और ग्रीन प्लांट्स पटाखे ना जलाएं, ग्रीन प्लांट्स लगाएं, और पोल्यूशन के यादगार को कैप करके रख लें जी, और पोल्यूशन ना करें और ऐसे ग्रीन प्लांट लगाएं। अब पोल्यूशन के बारे में डिबेट करना तो पप्पू सर से जरूर मिले ना। पप्पू सर को ज़्यादा डिबेट ना बनाएं आज। और कुछ ये कलाकारी हमारे बच्चों की, इन्होंने काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया है गेट को, और काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया है। तो बाकी हम वापस चलते हैं अपने अरविंद सर के पास ही, और लेके जाएंगे। और अभी कुछ और भी हमारे मेहमान आने बाकी हैं फ्री का खाना खाने के लिए। फ्री का खाना किसको खिला रहे हो सर आप? वैसे मैम कह रही खाना नहीं खाएंगे। नहीं आज वाकई मेरा व्रत है। वर्थ है तो चलो खाना बच जाए, वर्थ वाला खाना खा ले ठीक है। फ्राइडे को तो आपने क्या आ रहे हो, कैसे बनवा के? और जैसा कि हम सभी जानते हैं पप्पू सर, यस सर, पटाखे बैन हुए हैं, क्या करना चाहेंगे इस साल आप? सर पटाखे तो फिर भी फोड़े जाएंगे, इंडिया है और इंडिया के अंदर एक चीज बहुत तगड़ी है और वो है एडजस्टमेंट पावर। इंग्लिश में उसे एडजस्टमेंट पावर कहते हैं, वो शक्ति हमारे पास बहुत तगड़ी है। आप जुगाड़ो, हम जुगाड़ बनाए, जुगाड़ू है, खूब सारे पटाखे चलाओगे। लेकिन ये पटाखे के लिए हानिकारक है, पटाखे से ज्यादा पेड़ लगाएं। और हाँ बिल्कुल पेड़ लगाएं, लेकिन अब ये कुछ नहीं कह पाएंगे बिकॉज पॉल्यूशन के मतलब पॉल्यूशन नहीं होने की बात कह दी मैंने, तो अब पेड़ तो लगाएंगे हमारी। तो सर पटाखे कम चलाएंगे, पेड़ ज्यादा लगाएंगे बिल्कुल, क्योंकि नेचर के साथ। मैं और भी मेहमानों से मिलाऊंगा कुछ देर के बाद, बने रहिए।